जब मैं ये सेगमेंट डिज़ाइन कर रही थी ना, तो मेरे जहन में आरिफ लोहार साहब का वो गाना आ रहा था जो कोक स्टूडियो के लिए उन्होंने गाया, दम घुटकू। एवरीबडी हैज़ बिन टॉकिंग अबाउट कि किस तरह उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और जो फिज़ा है हमारी वो इतनी पोल्यूटेड है कि ना सिर्फ आंखें जल रही हैं, लोगों को रैशेज हो रहे हैं, छोटे बच्चों को कंजेशन फील हो रहा है और खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसमें हम कर क्या सकते हैं? क्या हमें प्रिवेंटिव जोशांदा पीना चाहिए, बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए? शुड वी ब्रिंग द मास्क बैक? और फिर भी जो लोग साहिबे इस्तेदात हैं, क्या उनको अपने घरों में कोई फिल्टर लगवा लेना चाहिए? आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एक तो वेदर जब चेंज होता है तो आपको वायरल इन्फेक्शंस मिलते ही हैं, लेकिन क्या वजह है कि चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सब में इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और सारे सिम्टम्स एक जैसे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमें कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा वायरस इफेक्ट कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। आप प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर हैं, इसके अलावा यू आर राइट नाउ टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो एयर पोल्यूशन है, इसमें और स्मॉग में क्या फ़र्क होता है? यानी आम तौर पे अगर गाड़ियों का धुआं है, आपको ग्रेनेस फिज़ा में नज़र आ रही है, उसमें और इस जो हम स्मॉग को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या कोई वाज़े तौर पे फ़र्क है? ये हमें, हमारी सेहत को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो नॉर्मल होती है, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसके, उसमें फोग का एलिमेंट नहीं होता। फोग का मतलब है कि ड्रॉपलेट है जो कि रिलेटिवली कोल्ड होते हैं। वो एक जो पोल्यूशन है उसमें ये एलिमेंट शामिल नहीं होता। इस एलिमेंट का जो प्रॉब्लम है, अगर ये एलिमेंट एयर पोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाए, और स्पेसिफिकली एट द टाइम जो कि अब हम देख रहे हैं जब सर्दियां आती हैं, तो ये वो पोल्यूशन है जो कि पहले फ़ा में होती है और अब आपकी आपके जो एटमोसफियर उस पर बहुत नीचे आ जाती है और हमें विजिबल हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें जो मटेरियल है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसमें ओजोन भी है, जो कि पहले हमसे दूर हैं, अब हमसे करीब हैं, और ये हमारे एयर वे को फ्राम नोज टिल द बेस प्रोन कर देते हैं डिफरेंट वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आपने बात बिल्कुल ठीक की, इसमें सिर्फ एयरवे का शामिल इसमें नहीं है, इसमें आईज भी शामिल है, इसमें स्किन भी शामिल है। और एक रामपुर बात मैं आपको बताऊं कि इस मौसम में हार्ट डिजीज भी बढ़ जाती है। तो हम इसको सिर्फ लंग से रिलेट ना करें, ये हमारे हर ऑर्गन को टू सम एक्सटेंट डैमेज, आपके को मॉर्बिड्स भी खराब हो जाते हैं। इस दफा हाल ही में मैंने देखा है कि जितने लोग किसी भी वजह से, अगर उनकी डायबिटीज हाई है, हाइपरटेंशन है, और अगर वो अस्पताल में दाखिल होते हैं, तो एक जो साथ में वायरल्स या साथ में इन्फेक्शन जो वो एक्वायर कर लेते हैं, वो यूजली रेस्पिरेटरी होता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले बताइए कि इस वेदर का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि थोड़ी गर्मी ख़त्म हो तो वो स्पोर्ट्स में और आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं। आप देखें कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, लोग आउटडोर्स में यू नो डिनर्स कर रहे होंगे, शादी सीजन भी आने वाला है, इसके अलावा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग से लेके लोग यू नो टेनिस खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप रेकमेंड करेंगे कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो आउटडोर्स में, और वहाँ पे इतना एयर पोल्यूशन है, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारा डिजिटल मीडिया का दौर है, तो अब जिसने भी बाहर जाना है वो इंटरनेट से एक दफ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक कर। राइट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 है, 531, कराची एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 समथिंग। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर इतना हाई है और आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इस फिजिकल एक्टिविटी में आपके सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। एक नॉर्मल शख्स एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है, अगर वो नॉर्मल जो अपना सांस की रफ्तार उसकी, अगर आपकी सांस की रफ्तार तेज होगी तो हवा अंदर भी ज्यादा जाएगी, जिसकी वजह से ये हवा थोड़ी है, ये तो पोल्यूशन है। तो मैं तो बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, और कोई भी डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं करेगा कि इस स्मोगी टाइम पे आप आउटडोर एक्टिविटी करें। अच्छा, तो जितने लोग वॉक के शौकीन हैं या थोड़ी बहुत मूवमेंट चाहते हैं, आपका मशवरा उनको होगा कि इनडोर जिम्स का इस्तेमाल करें, बाहर ना जाएं? हम अपने घरों की फ़िज़ा को, यानी पहले हमने शायद डॉक्टर साहब इस बारे में कभी सोचा नहीं था, जैसे पहले नलके से पानी आता था, उसको उबाल कर हम पी लेते थे, लेकिन अब हमें बॉटल्ड वाटर की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को यू नो रिकमेंड करेंगे, ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हस्पताल हैं, जिम्स हैं, ऑफिसज़ हैं,
करें, क्या अब उनको एयर फिल्टर की तरफ चले जाना चाहिए, उनको अपनी जो इन्वायरमेंट्स हैं उनको बेहतर मैनेज करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज़ तो अपने घर को आप बिल्कुल एयर प्योरीफायर से बिल्कुल उसको लगा के और बिल्कुल उसको क्लोज कर लें। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप ये पूरे 2-3 महीने घर के अंदर रहेंगे, यू हैव टू गो टू आउटसाइड। हमने इंडिविजुअल नहीं सोचना, सही। अच्छा, जहां तक रही एयर प्योरीफाई, बिल्कुल ये हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने भी कुछ चीजें ऐसी हमें दी हैं जिसको हम इनडोर प्लांट कहते हैं, विच इज इक्वली गुड एज एयर प्योरीफायर। इसमें स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है, मनी प्लांट है। अच्छा, आई रियली वांटेड यू टू, ये आपने बिल्कुल सही कहा। कई ऐसे ना हमारी, क्योंकि लाइल्मी होती है, हमें इन चीज़ों की आगही नहीं है, तो हम, मैंने कई दफ़ा सुना है कि गलत प्लांट्स लगा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इंडोर प्लांट्स जो कि हमारे लिए ये डुअल काम करे, हमारे लंग्स का काम करे और हमारी इंडोर फिज़ा को फिल्टर आउट करे, ये कौन कौन से प्लांट्स हैं? आपने कहा स्नैक प्लांट एंड रबर प्लांट। स्नैक प्लांट है, रबर प्लांट एंड मनी प्लांट जो आप लगाते हैं, आपको पता है हमारे जितने बुजुर्ग थे वो घरों में लगाया करते थे पानी में, तो ये इसका इफेक्ट है। ये स्पाइडर प्लांट भी इसमें आता है जो कि इंडोर प्योरीफायर है। एलोवेरा आप अगर देखें वो भी इंडोर प्योरीफायर है। सो ये आप अपनी रिसर्च भी करें और उसके मुताबिक आप अपने इंडोर प्लांट लगाएं, ये आपको किसी हद तक बेनिफिट दे सकते हैं। और प्लीज इसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के घर के बाहर भी 2 प्लांट लगा दें। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर इरफान, एब्सोल्युटली डॉक्टर इरफान, मुझे बताइए कि जिन लोगों के लिए बाहर जाना नागुजीर है, मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल जाना है, मर्द हजरात हैं जिन्होंने बाइक पे बैठ के अपने दफ्तर जाना है, बुज़ुर्ग हैं, चलें बुज़ुर्गों की मूवमेंट आप किसी तरह से कर्टेल कर सकते हैं, उनको आप क्या एहतियाती तदाबीर देंगे इस पोल्यूटेड फिज़ा में? देखिए, हमें बाहर तो जाना है, बिकॉज जो वर्किंग क्लास है वो भी बाहर जाएगी, स्टूडेंट ने भी बाहर जाना है, तो सबसे सिंपल जो चीज़ है वो मास्क का पहनना है। वो हमें, आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से आप लोगों ने सबको मास्क पहनवा दिए थे, तो मास्क जो है ना वो आप अपना जो है एक बेसिक कंपोनेंट बना लें, वो आप पहने, और मास्क के साथ आईज को भी कवर करें, जो गॉगल्स हैं या ग्लासेज जो है वो पहने, कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने, कॉन्टेक्ट लेंस से जो आईज इरिटेशन है वो बढ़ जाए। और अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट पहने और वाटर इस्तेमाल ज्यादा करें, और जब आप वापस आते हैं अपने घरों में तो ये एक्सपोज एरियाज को वॉश जरूर कर लें विद सिंपल टैप वाटर। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सांस का मसला है, वो अपनी रेस्क्यू मेडिसिन को अपने पास रखें, और प्रिवेंटिव मेजर में वैक्सीनेशन का बहुत रोल है, वैक्सीनेशन करवाएं स्पेसिफिकली फ्लू वायरस से ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, और निमोनिया से जिनको उनका डॉक्टर रिकमेंड करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि फ्लू वैक्सीन की अगर बात की जाए, फ्लू शॉट अमूमन सितंबर अक्टूबर में यानी फॉल सीजन में ही लगवाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग आज़मीन हज भी होते हैं, उस वक्त भी उन्होंने लगाया, क्या फ्लू वैक्सीनेशन से वंस इन अ ईयर इनफ है, या इसको भी हमें क्वार्टरली लगवाना पड़ेगा, ट्वाइस इन अ ईयर लगवाना पड़ेगा, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा डॉक्टर साहब। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखें, फ्लू वैक्सीनेशन यूजुअली ट्वाइस अ ईयर उन कंट्रीज में हो रही है जहाँ पे विंटर रहता है। सही। हमारा तो विंटर कितना समय गया, हमारा तो विंटर ही बड़ा शॉर्ट है जी। तो इस वजह से हमारे विंटर में, आप अगर विंटर के आने से पहले, इस वजह से सितंबर अक्टूबर कहते हैं क्योंकि इसको स्टार्ट में भी 3 वीक्स चाहिए होते हैं, आप लगा लें तो आपका विंटर कवर हो जाता है, बिकॉज हम समझते हैं कि विंटर में वायरल इलनेस कहता है कि बढ़ जाती है। जहाँ तक रही बात आज़मीन हज के लिए या लोग उमरा करने लगाने जाते हैं, वो इस वजह से लगाते हैं कि वहाँ पे गैदरिंग इतनी ज्यादा होती है और वायरसेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो म्यूटेट कर सकते हैं, और ये किसी हद तक आपका प्रिवेंटिव रोल प्ले करता है। सो वो लोग जो कि अगर विंटर एरिया में रहते हैं तो वो 1 साल में 2 दफा ये लगा सकते हैं। हमारे यहाँ रिकमेंडेशन सिर्फ सितंबर के एंड अक्टूबर के शुरू में। बिल्कुल सही। आपने कहा कि छोटे बच्चों को खास तौर पे स्कूल्स की तरफ से डायरेक्टिव भी है कि अगर आप बच्चों को फ्लू वैक्सीनेशन लगाएंगे तो ना सिर्फ आपका बच्चा महफूज रहेगा बल्कि क्लास में आने वाले बाकी बच्चों के लिए भी आपका ये एक मेजर स्टेप होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, सीनियर सिटीजन के लिए जो निमोनिया का शॉट, जो अब वंस इन अ लाइफ शॉट है और वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, उनको निमोनिया से, चेस्ट इन्फेक्शन से, लंग इन्फेक्शन से बचा सकता है, इसकी सबको ज़रूरत है, या आप किस क्या कहेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी हमें अवेयरनेस दीजिए? जी, अबाउ 60 ईयर एवरीबॉडी, बिलो 60 ईयर अगर आपको, लाइक मैं रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करूँ, आपको COPD है और आपकी जो स्पायरोमेट्री है वो आपकी वैल्यू एक हद से नीचे शो करती है, अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी का इशू है, लिवर का इशू है, तो आपका, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि बिलो 60 विद कोमॉर्बिड कंडीशन,
और ये वंस इन 5 ईयर है, और 5 ईयर के बाद इसका बूस्टर भी लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपने लोगों को दी। देखिए, सांस ज़िंदगी है, यकीनन हम जिंदा हैं तो हम सांस लेते हैं, और यकीनन जो हमारा इस वक्त का एनवायरनमेंट है वो इसमें दुश्वारी पैदा कर रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि आप अगर बाहें चाहें तो आप मास्क ज़रूर पहनें, छोटे बच्चों को और घर के बुज़ुर्गों को फ्लू शॉट ज़रूर लगवाएँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर एक को फ्लू शॉट ज़रूर लगवाएँ। सितंबर अक्टूबर एक ऐसा वक्त है जो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। कई लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जी फ्लू शॉट लगवाया था फिर भी नज़ला हो गया, आप सोचिए कि उसकी इंटेंसिटी कई ज़्यादा हो सकती थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कई ज़्यादा हो सकती थी। तो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।